सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भूल पा रही हैं तो इसकी वजह सिर्फ प्रेम है। जहां सफर सच्चाई का होगा वहां बेशर्मी के कांटों से पाला जरूर होगा। यदि आप वही कर रही हैं जो आप हमेशा से करते आई हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलते आया है। अगर रोग इश्क का होगा तो वह आपको बर्बाद कर देगा और अगर रोग किताबों का होगा तो वह आपको आबाद कर देगा। आज का पंचांग 19 नवंबर 2023 दिन रविवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 7:23 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र रात्रि 8:48 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:16 से 5:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:40 से 12:30 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि 19 नवंबर 2023 दिन रविवार, अपने जैसे रुचियों और सत्ताशीन व्यक्तियों से साझेदारी बनाने की कोशिश करें। कुछ आदमी आपको झूठी आशाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपने आप से फैसले लें और उन पर जमे रहें। आप काफी समय से घर खरीदने की सोच रहे हैं, आप ऐसा कर सकती हैं। आपकी उपलब्धियों से ईर्ष्या करके कुछ लोग आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं। आप परवाह ना करके अपने कार्यों के प्रति संलग्न रहें, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों में भी व्यस्त रहेगी। अपने अनुभव के कारण आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। गलत बातों में बदलाव करना जरूरी होगा। मानसिक स्वरूप से कमजोर बना लेंगी। जीवन की अटकी हुई कई बातों को गति मिल सकती है। पैसों से संबंधित चिंता छोड़कर केवल काम की क्वालिटी पर ध्यान देते रहें। आज के दिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। पार्टनर और आप में जो विवाद है वह दूर होगा। एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे। कमर दर्द की परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, युवाओं को अपने करियर पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह व मार्गदर्शन पर जरूर ध्यान दें। कभी कभी आपका अति आत्मविश्वास और घमंड आपको लक्ष्य से भटका सकता है। अपनी इन कमियों पर काबू पाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। पुराने मित्रों के मिलने से पुरानी यादें ताजा होगी। कुछ समय से तनाव आपके रिश्ते में पनप रहा है और हो सकता है कि इसका असर बाहर दिखने लगे। आपने सारे प्रयास किए हैं लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है और प्रमुख टकराव होने की संभावना भी है। हालांकि यह आपका तनाव घटाने में सहायक सिद्ध होगा। जिसने की आपकी बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान रुका हुआ था, खुले में वार्तालाप की वजह से आप निर्णायक मुंह की तरफ मुड़ सकते हैं, जो कि आपकी रिश्ते की प्रगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। बात करती है करियर की। आज कार्य क्षेत्र में आप किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अपने सहकर्मियों की आलोचना ना करें। आप ग्रहों के प्रभाव की वजह से तनाव और गुस्से में आ सकते हैं और आप इसकी भड़ास अपने सहयोगियों पर निकाल सकते हैं। इसकी वजह से आपके कार्यस्थल पर अनावश्यक और अतिरिक्त तनाव पैदा होगा और यहाँ तक कि वह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, अतः इसे आप दूर करने का प्रयास करें। कारोबारी गतिविधियाँ व्यवस्थित रहेगी और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। शेयर सट्टा मार्केट से जुड़े लोग इस समय मुनाफे की स्थिति में रह सकते हैं। ऑफिस के काम समय पर निपटा लें, उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। बात करती हैं सेहत की। जब तक आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक सक्रिय घंटा नहीं निकालते तब तक आपके दिन का सदुपयोग नहीं हो पाता। ठंडे दिमाग से यह सोचने की कोशिश करें कि आप क्या क्या करते हैं और उनका आप पर कितना असर होता है।
उदाहरण के लिए अपने सांस लेने के तरीके पर गौर करें और फिर यह देखें कि इससे आपकी बात या काम करने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके लिए इस समय सबसे अच्छी एक्सरसाइज योग है। आज का उपाय, चावल में दूध और गुड़ मिलाकर दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।